हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर छोटे बच्चों की छाती में कफ जम गई है, बलगम जम गई है, तो क्या इलाज किया जाए। मोस्टली जब छोटे बच्चे होते हैं, एक साल से छोटे होते हैं, छः महीने से छोटे होते हैं, तो उनके जब कफ जम जाती है तो दूध पीने में दिक्कत आती है। दूध पीते हैं तो उनको होता क्या है, दूध बाहर निकाल देते हैं, उल्टी कर देते हैं, बलगम बाहर निकाल रहे होते हैं। वो कफ ऐसी हो जाती है कि जैसे ऐसे लग रहा है वो अंदर पैदा हो रही है और बढ़ रही है। बच्चे बाहर भी निकाल रहे हैं फिर भी वो बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, बहुत परफेक्ट इलाज आपको मैं बता रही हूँ। आप सोचते होंगे जस्ट मेडिसिन लो और ट्रीटमेंट मिलेगा। जो इलाज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत कारगर है। मोस्टली ऐसे होता है जब बच्चों को ठंड लग जाती है तो एक बार छोटी छोटी खांसी स्टार्ट होती है, उसके बाद ये खांसी बलगम का रूप ले लेती है और छाती में जमा हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चों का नोज़ भी ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उन्हें जुकाम भी लग जाता है। तो इसके लिए बहुत परफेक्ट इलाज है। सबसे फर्स्ट बात है, कम से कम 2 से 3 महीने अगर आपके पास पुराना घी है देसी, वो हल्का सा गर्म करके बच्चे की छाती पर लगाइए। जब आप बच्चे की छाती पर लगा लेंगे तो एक कपड़ा ले लीजिए जो प्रेस कर लीजिए, और हल्का सा जो कोसा हो जाए तो बच्चे की छाती पर रख दीजिए, सहता सहता सा बच्चे की छाती पर रख दीजिए, और ऊपर से बच्चे को कपड़े पहना कर सुला दीजिए। ऐसा करने से वो कफ होगी, बलगम जो है वो पॉटी के रास्ते बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसे गुनगुना पानी पिलाइए। गुनगुना पानी पीने से कफ पिघलती है और बाहर निकलती है। जब तक कफ बाहर नहीं निकलेगी बच्चा परेशान ही रहेगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, रात को बच्चे को जब आप सुला रहे हैं तो सरसों के तेल लेना है। सरसों के तेल में अजवाइन और गार्लिक यानी लहसुन को साड़ कर एक तेल तैयार करना है। ये गर्माहट देने का काम करता है। ये बच्चे के हथेलियों और पैरों की तलियों पर इससे मसाज कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये बच्चे को गर्माहट देगा, जो बच्चे के अंदर सर्दी लगी हुई है उसको दूर करेगा। सर्दी लगने के कारण जब बच्चा सोता है तो घड़घड़ की आवाज़ आती रहती है, ये आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, यानी कि 6 महीने हो चुके हैं, बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट कर चुका है, तो उस बच्चे को अगर सर्दी लगी हुई है या फिर सर्दियों के दिनों में हमेशा ही हल्का सा यानी चुटकी भर उसको जायफल चटाते रहें। जायफल चटाने से बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा रहता है। अगर सर्दी हो चुकी है तो वो सारी बलगम, जितनी भी कफ है, जितना भी कफ उसके छाती में जम गया है, वो पॉटी के रास्ते बाहर कर देगा। बहुत कारगर इलाज है। इस इलाज को आप ज़रूर कीजिए बच्चे पर। ये इलाज ऐसे नहीं है कि ये इलाज ज़रूर ट्राई कीजिए, ये इलाज बहुत परफेक्ट है। इसे करते ही बच्चे को बलगम वाली खांसी से आज़ादी मिल जाएगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।